हेलो एवरीवन, अगर आप भी देख पा रहे हैं कि अभी इस वक्त डिप में क्रिप्टो मार्केट चल रही है, यानी कि एक ऐसा मौका मिल रहा है जब आप कॉइन्स को सही टाइम पे अभी आप बाय कर सकते हैं, तो आज मैं आपको अपडेट सबसे बड़ी तो यही देने वाला हूँ शिबा इनू के बारे में, क्योंकि एक ऑफिशियल अपडेट आई है शिबा को लेकर जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इसी के साथ साथ हम 5 कॉइन्स सबसे बड़े बेस्ट पॉट कॉइन्स की बात करने वाले हैं, जो अगर आप अभी बाय करते तो आपको एक बहुत ही बड़ा प्रॉमिसिंग प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले हम शिबा को पूरा कवर करेंगे, तो वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफिट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर हम सारी अपडेट सबसे पहले डालते हैं। और आप ये सारी अपडेट्स को ऑलरेडी चेक भी कर सकते हैं, हर एक अपडेट वहाँ पर शेयर किया हुआ है। तो आज का जो सबसे बड़ा अपडेट है शिबा को लेकर वो ये है कि शिबा की जो टीममेट मार्केटिंग टीम में एक लूसी है, तो उन्होंने खुद यहाँ पे कमेंट किया है कि एसेट प्राइस, उन्होंने बोला कि अभी जो चल रहा है बहुत ही वीक चल रहा है, बहुत ही कम है, जो एक्चुअल में होना चाहिए वो बहुत बड़ा प्राइस होने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने एक और सबसे बड़ा हिंट दिया है, वो ये कि इन्होंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि शिबा इकोसिस्टम को ये 1000% से भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, या फिर बढ़ता हुआ देख सकते हैं 2 से 3 दिन के अंदर। इसी के साथ इन्होंने डेफिनेटली ये तो कहा ही है कि फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपडेट शिबा को लेकर ये दिया है कि 1000% तक यहाँ पे इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल इनका कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ पे टेम्परेरली एक प्राइस की कंसोलिडेशन हो रही है, तो इस कंसोलिडेशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो होल्डर्स हैं उनको डेफिनेटली एक बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि शिबा ने अपना एक वेल एस्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम बना लिया है। तो एक्चुअल में इसका इकोसिस्टम ही एक इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों अभी शिबा की रैंक जो चल रही है मार्केट कैप के हिसाब से 13 के आसपास चल रही है, यानी कि हमेशा शिबा बहुत ज़्यादा हाइप में रहे और अपडेट्स आने पर हमें बड़ा प्रॉफिट भी मिला है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ जो चल रही है वो ये कि शिप का जो बर्न है वो बहुत ही फास्ट हो चुका है, 450% से भी ज़्यादा यहाँ पे शिप के बर्न का रेट बढ़ चुका है, जिससे क्या कि शिबा की जो बर्निंग है बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुकी है इस वक्त। तो रिसेंटली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 3 मिलियन शिबा इनोस को डेड वॉलेट में सेंड किया गया, जिससे क्या कि शिबा की क्वांटिटी और भी ज़्यादा कम हुई है। तो इस तरीके से अगर रेगुलर बेसिस पर क्वांटिटी सप्लाई कम होती रहेगी और डिमांड क्या कि हमेशा ये तो इंक्रीज रहेगी, जिसकी वजह से शिबा में हमें एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर आप एक नई बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिपेंड जो हो सकते हैं वो है शिबेरियम के ऊपर, और शिबेरियम या फिर शिबा के पूरे इकोसिस्टम के ऊपर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक सस्टेन्ड ग्रोथ पुश मिलने वाला है, यानी कि रेगुलर बेसिस पर हम यहाँ पे ग्रोथ मिलने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एकदम से आपको 1000 या फिर 10000% मिलेगा, बल्कि अगर आप ऐसे कॉइन्स को होल्ड करते हैं जिसमें मैं शिबा के बाकी इकोसिस्टम के कॉइन्स को भी इंक्लूड करता हूँ जो कि लीश हैं या फिर बोन हैं, तो इनको होल्ड करने पर आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। ऑलरेडी यहाँ पे जो लूसी है उन्होंने तो अपनी तरफ से बता ही दिया है कि 1000% तक का प्रॉफिट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक और यहाँ पे एक चीज़ जो हम देख पा रहे हैं वो है कि बर्न रेट तो बढ़ा ही बढ़ा है, इसी के साथ साथ लिक्विडिटी स्टेकिंग प्रोटोकॉल की इंटीग्रेशन करी जा रही है, और ऑन चेन एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं शिबेरियम के इकोसिस्टम में वो और भी ज़्यादा फास्ट हो चुकी हैं। तो करंटली आप शिबा की वैल्यू देख सकते हो $0.4017 के आसपास। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है वो ये कि यहाँ पे जो 4 जीरोस हैं इनमें से 1 जीरो कट हो सकती है, यानी कि $0.0001 तक प्राइस जाने वाला है। लेकिन आपके पास कितने शिबा इनोस पड़े हैं एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी हम बात करने वाले हैं 5 बेस्ट ऑल्टकॉइंस के बारे में जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ये कॉइन्स अगर आप पोर्टफोलियो में रख लेते हो तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक प्रॉफिट मिलने ही वाला है। तो यहाँ पे बात मैं सिर्फ ये नहीं कर रहा कि आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करो, बल्कि अगर आपको ये फंडामेंटल्स दिखेंगे या फिर जब आप खुद रिसर्च करोगे, जो मैं आपके लिए रिसर्च यहाँ पे करके लाया हूँ लेकिन आप खुद भी करना, तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसे ऑल्टकॉइंस हैं जिनको आप आज बाय करके होल्ड करके रख लेते हो तो उम्र भर रखोगे या फिर 5-10 साल भी रखोगे तब भी आपका एक बहुत ही बड़ा प्रॉमिसिंग प्रॉफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो कॉइन है वो है सोल। तो सोल हमेशा मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कॉइन रहे हैं। सोलाना की ब्लॉकचेन भी इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ब्लॉकचेन है, फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है, स्नाइपर्स भी इसके ऊपर बनते हैं, और इसकी जो सोल की वैल्यू चल रही है $142 के आसपास चल रही है। मार्केट कैप अगर हम देखते हैं तो $66 बिलियन का है, जिसके हिसाब से ये 5वें रैंक पर आता है, यानी कि बेस्ट ऑल्टकॉइन आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसके साथ अगर कोई बचा है तो वो सिर्फ BNB है या फिर इथेरियम है। तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इस वक्त अगर कोई है वो सोल है। अब इसके पीछे जो मेन फंडामेंटल रीजंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे BN सोल एक बहुत ही बड़ी सपोर्ट मिल रही है बाइनेंस की तरफ से, यानी कि बाइनेंस के ऊपर BN सोल की बात करी जा रही है, जिसका मतलब ये कि आप यहाँ पे सोलानास को स्टेक कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको एक बहुत ही बढ़िया APR मिलने वाला है।
जब बाइनेंस जैसे ऐसे बड़े एक्सचेंजेस के द्वारा इतनी बड़ी परसेंटेज मिलनी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि बाइनेंस या फिर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स इसको सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो करंटली ये 10% APR दे रहे हैं, यानी कि 10% इतना बड़ा प्रॉफिट है अगर आप इसको कंपेयर करते हो अपने INR से या फिर जो भी आप पैसा रखते हैं अपने बैंक अकाउंट्स में, तो वहाँ पे आपको 2% 4% मिलता होगा, या फिर अगर आप फिक्स डिपॉजिट में रखते हो तो 7 से लेकर 8% भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 10% मिलने वाला है। लेकिन फ़ायदे यहाँ पे दो होते हैं, एक तो ये कि 10% APR तो मिलेगा, यानी कि आपके जितने भी सोल होंगे वो 10% और बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे भी बड़ा फ़ायदा ये भी होने वाला है कि सोलाना की वैल्यू ही तब तक हो सकता है 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी पहुंच सकती है, हो सकता है कि 10 गुना भी पहुंच जाए। तो करंटली सोलाना की वैल्यू $140 के आसपास चलती है, तो यहाँ पे मैं बहुत इजीली इसको एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये $180-$200 को क्रॉस करने वाला है। अगर आपको यहाँ पे मौका मिलता है बाय करने का तो डेफिनेटली आप इसको बाय ज़रूर कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे ये भी सामने आई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोलाना में 5x तक का प्रॉफिट देखा जा रहा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के द्वारा। तो कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप इस इलेक्शन को विन कर लेते हैं तो 5x तक का प्रॉफिट 2025 तक हमें ईजिली मिल सकता है, और 2025 कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे 1-2 महीने का ही टाइम बचा है। यहाँ पे मंथली एक्टिव एड्रेसेस 100 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो सोलाना हमेशा बेस्ट था, आज भी बेस्ट है। सोलाना में प्रॉब्लम्स भी आती रही हैं, लेकिन ये एक ऐसा चेन है जो हमेशा अपनी इंप्रूवमेंट्स के ऊपर काम करता ही रहता है। तो सोलाना के बारे में मैं जितना ही बोलूं उतना कम है, लेकिन आप खुद भी देख सकते हैं सोलाना, आप बाय कर सकते हैं। अब दूसरे कॉइन की बात करेंगे तो दूसरा हमारा जो कॉइन है सुई के नाम से, $2 से नीचे अभी चल रहा है। अगर आपको $1.5 के आसपास बाय करने का मौका मिल जाता है या फिर इवन 1.7-1.8 के आसपास भी मौका मिलता है तो आप इस पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉइन अब रुकने नहीं वाला। ये ऐसा नहीं कि अब बार बार आपको नीचे बाय करने का मौका देगा, बल्कि ये आपको एक बड़ा प्रॉफिट ही देने वाला है, इसके बाद ऊपर ही जाने वाला है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, सुई का इकोसिस्टम बहुत ही बड़ा हो चुका है इस वक्त, और करंटली अगर मैं इसके मार्केट कैप के हिसाब से रैंक देखूं तो 19 के आसपास आ गया है, लेकिन मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये टॉप 10 में आने वाला है। अभी $5.4 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है, लेकिन ये $20-$40 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप हो सकता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ सुई के इकोसिस्टम की बात करें तो $8 बिलियन के मार्केट कैप को ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुका है। तो नेटफ्लिक्स को अगर हम देखें, यानी कि जिसमें 15 टॉप इनफ्लोज हैं और 15 टॉप आउटफ्लोज हैं, जिसको देखकर यहाँ पे नेट फ्लो लगाया जा रहा है, तो इसमें सोलाना, इथेरियम और सुई है, यानी कि तीसरे नंबर पर सुई ही चल रहा है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि सुई आपको लॉन्ग रन में एक बड़ा प्रॉफिट ही देने वाला है। इसको इकोसिस्टम को आप देख सकते हो, सोलाना के इकोसिस्टम को आप देख सकते हो। ऐसा तीसरा हमारा कॉइन जो है वो अभी हम डिस्कस करने वाले, यानी कि जो आपको लगातार प्रॉफिट देने ही वाले हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। अब मैं बात करूँगा तीसरे कॉइन के बारे में जो है FTX टोकन। तो इसका जो टोकन है ये FTT के नाम से $2.2 के आसपास चल रहा है। तो अभी क्या है कि इनका काम चल रहा है कि क्रेडिटर्स को पैसा वापस किया जाए, तो जिसकी वजह से FTX की जो मार्केट में इमेज है वो बहुत ज़्यादा सुधर रही है। तो FTX के क्रेडिटर्स अभी $12 बिलियन का पे आउट देने जा रहे हैं, और ये दिसंबर से शुरू होने वाला है, जिसका मतलब ये कि क्रिप्टो की मार्केट लिक्विडिटी अब बढ़ने जा रही है। तो FTX की वजह से ही बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बाहर निकली थी, एक बहुत बड़ा डंप आया था, लेकिन अभी FTX की वजह से वापस से क्या होने वाला है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आने वाली है क्रिप्टो मार्केट में। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, यही कारण है कि FTX में हमें पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा प्रॉफिट ऑलरेडी दिख ही रहा है, जो कि $1.5 के आसपास था, और ये $3 तक गया था, यानी कि इसने ऑलरेडी हमें डबल करके प्रॉफिट दे दिया था। अभी हम बात करने वाले हैं फोर्थ कॉइन के बारे में, ये है आवे के नाम से, $140 के आसपास चल रहा है। तो आवे का बाइंग जो हमें मिला था, ये हमें $50-$70 के बीच में भी हमें एक मौका मिला था बाय करने का। तो एक्चुअल में जब बेयर मार्केट थी तब हमने बहुत ज़्यादा आवेस बाय किए थे। इसका रीज़न ये था कि आवे तब भी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट था, और आज भी आवे में एक बड़ा प्रोटोकॉल अपग्रेड आने वाला है। मार्केट कैप के हिसाब से 39 के आसपास इसका रैंक चल रहा है, $2.1 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। तो हमेशा से ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट रहा है पहले भी। तो एक्चुअल में इसका जो अभी अपग्रेड आया वो V3.2 आया, और इसको देखते देखते अभी हम देख पा रहे हैं कि इसमें कोई बड़ा प्रॉफिट हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये रैली किक स्टार्ट होगी तो ये $200 तक बहुत ही आसानी से जाने वाला है। यानी कि यहीं से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि $40-$50 का प्रॉफिट हमें दे देगा, क्योंकि जैसे इसका रेजिस्टेंस जो कि $150 के आसपास है वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होते ही हमें यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि उसके बाद नेक्स्ट हम $170 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और डेफिनेटली उसके बाद $200 क्रॉस होता हुआ भी देख सकते हैं। तो टॉप DeFi प्रोटोकॉल्स में से एक आवे है, जिसका TVL भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
अब हम नेक्स्ट बेस्ट प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं, यह है टॉन कॉइन, जिसकी वैल्यू टॉन की $5 के आसपास चल रही है और इस महीने के अंदर इसने कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं दिया है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देना कि एक साल के अंदर इसने $150 से ज़्यादा प्रॉफिट दिए, लेकिन इसका जो मेन प्रॉफिट हमें मिला है वो है कि टॉन के खुद के इकोसिस्टम में जो कॉइन्स आ रहे हैं उनसे प्रॉफिट मिला है। दूसरा ये हम देख सकते हैं कि टॉन के इकोसिस्टम के ऊपर जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो हैमस्टर है या फिर कैटिजन था या फिर आपने नॉट्स देखा, डॉग्स देखा, इवन टॉन खुद भी, इसने अच्छा प्रॉफिट हमें दिया ही दिया है। तो टॉन के ब्लॉकचेन का इस वक्त TVL $721 मिलियन से भी ऊपर पहुँच चुका है। इसका रीज़न वही है कि इसमें इतने अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, जैसे कि अभी स्टॉन आया है, स्केल आया है, ईवा आया है, स्टेक, स्टॉम, हिपो, मेगा, जिनके अपने खुद के ही बहुत अच्छे यूज़ केस है, जैसे कि कुछ तो डेक्स है या फिर कुछ लैंडिंग में काम करते हैं या कुछ स्टेकिंग में काम करते हैं, कुछ डेरिवेटिव्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से टॉन का जो TVL है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसमें इनफ्लोज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन इसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसमें स्टेक, स्टॉम और हिपो है, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि टॉन नेटवर्क का इस वक्त जो TVL है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो टॉन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक और लंबी रैली बाकी है जो हमें इसी बुल रन में दिखने वाली है। जैसे क्रिप्टो मार्केट ऊपर को जाएगी या फिर BTC ऊपर को जाएगा तो टॉन भी बहुत ही फास्टली ग्रो होने वाला है। और हाँ, अगर आप नहीं जानते तो टॉन की जो मार्केट कैप के हिसाब से रैंक है ये 10 के आसपास है, $13 बिलियन का मार्केट कैप है इस वक्त इसका। और जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से इसमें एक रैली पेंडिंग है वो हमें बहुत ही जल्द दिखने वाली है। TVL ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि टॉन का इकोसिस्टम भी लगातार ग्रो होता जा रहा है। तो ये थे हमारे 5 कॉइन्स और शिबा के अपडेट मैंने आपको दे दिया। लेकिन इसके अलावा अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट जरूर करो। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉलफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।